क्वेश्चन नंबर 6 इस बच्चों वाला क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है हमको, ठीक है, आप भी कर सकते हो। कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स। प्लीज ध्यान दें, लॉग किसका लिया गया है? साइन का। कुछ बच्चे सोचते हैं लॉग इंटू साइन एक्स है। नहीं नहीं नहीं, लॉग किसका लिया गया है? साइन एक्स का। तो लॉग ऑफ साइन एक्स है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो फटाफट। हाँ भाई, एक बार बताओ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या होगा? 1/sin x। भाई लॉग के साथ जो भी होता है वो 1/ में आ जाता है, ठीक है। तो 1/sin x हो गया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इनटू डेरिवेटिव, भाई पहले पूरे का किया तो लॉग के साथ तो 1/ में आ गया, अब साइन का भी तो करोगे। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो हाँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ गया? कॉट एक्स। कॉस एक्स इंटू 1 cos x, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया आपका? कॉट एक्स। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो सुनो, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कि कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π/2, यस और नो? अरे भाई 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंगल 0 से π/2 के बीच में कुछ भी हो। और यही कॉट एक्स क्या है आपका? एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि कॉट एक्स की जगह हम एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/2। हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो ये हो गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अब करते हैं इस इंटरवल में चेक, ठीक है। तो आपका जो कॉट एक्स होता है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होता है। कौन से इंटरवल में? फॉर ऑल x belongs to the open interval π/2 to π। हाँ भाई एक बार बताओ, π/2 to π का क्या मतलब है? यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ π। तो π/2 और π के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी कि कॉट x का जो रिजल्ट आएगा, अगर ये x कुछ भी हो, x क्या है? कॉट का एंगल, मतलब ये एंगल π/2 से π के बीच में कुछ भी हो, तो कॉट क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। और कॉट x की क्या है आपका? एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल π/2 to π। हेंस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस ओपन इंटरवल।